के जगते भी प्रभु का महामंत्र याद करते सोता हूँ, जगता हूँ तो प्रभु को याद करता हूँ। अब बचा हुआ जीवन है, मैं यही चाहता हूँ हरि चरणों में सेवा कर मिलता रहे, प्रभु का ब्रह्मवाणी मिलते रहे, दर्शन मिलते रहे, इसके सेवा का इस मन में कोई जरूरत नहीं होता है। शास्त्र जी बहुत कुछ प्रभु दे रहे, बहुत दिया है। जिस दिन में शुरुआत का दौर मुझे खुद ध्यान है, मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी, एक मोटरसाइकिल, आज प्रभु की रहमत से मेरे पास चार चार फोर व्हीलर है, चार चार फोर व्हीलर बड़ी गाड़ियां, टाटा सफारी भी है, स्कॉर्पियो भी है, नई नई गाड़ियां, ये प्रभु की रहमत से मेरे पास हुई, मेरी औकात नहीं थी। एक और यार की क्या कर सकता, आप सभी जानते हैं, केवल अपने बच्चों को सही तरीके से पढ़ा सकता है, बहुत सारा पुलिस वाला बोल रहा है, कोई जॉब सभी लोग जानते हैं। आज प्रभु की रहमत से ऐसी रहमत प्रभु की बनती है कि जब भी जहाँ भी रोजगार करता हूँ, खुले दिल करता हूँ, जहाँ भी जो भी सेवा मिलती है या जीवन में मिलेगी, जी जान लगा करके तत्पर सैनिक बन के सेवा करता हूँ और अपने परमात्मा नारायण साकार जी पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। जी मैं जयपुर से नारायण सहकारी के सबके साथ के बाद प्रभु जी का जाना होता झुंझुनू। जब मैं झुंझुनू जा रहा था, झुंझुनू से जयपुर जब मेरे को जगह में याद नहीं है, प्रभु जी की गाड़ी में चार तीन चार गाड़ी के बाद गाड़ी थी, मैंने आंखों से देखा प्रभु जी की गाड़ी का पहिया जमीन पर था ही नहीं, जो मैंने अपनी आंखों से देखा ऐसे हवा में चल रही थी जैसे प्रभु जी की गाड़ी के सामने बस आती है, मुझे तो ऐसा लगा कि बस वाले ने प्रभु जी की गाड़ी ठोक दी। लेकिन होता क्या है, प्रभु जी की गाड़ी तो हवा में यो ऐसे होकर के सट सट कर जाती है और वो बस जो थी सीधा इधर निकल के बाहर निकल जाती है। ये खुली आंखों का दृश्य देखा और कही जाए सत्संग जी नारायण साकार हरि जी को जिसने तनधारी समझा, मैं खुले बता रहा हूँ, तनधारी जिसने समझा या जिसने अपना जात का वाद का भेदभाव का समझा उसका समझो क्या होगा, मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, समझ लेना। लेकिन इतना जरूर कहूंगा जिसने ब्रह्मांड के मालिक को मालिक समझ लिया उसका भव से बेड़ा पार हो जाएगा, ये क्लियर है। जय जय सत्संगत, मैं इस तन में इतना आनंद मिलता है जब प्रभु के दर्शन अगर जिस बंदे दिन नहीं हो पाए, मुझे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जैसे एक डेड बैटरी होती है, डेड बैटरी अगर 15 दिन में दर्शन प्रभु जी मुझे ना हो पाए तो मुझे मेरे शरीर में ऐसा लगता है शरीर डेड हो गया, कुछ नहीं होगा। और जैसे ही प्रभु के दर्शन हो जाते हैं तो 10 दिन 15 दिन गाड़ी बिना चल के चल लेती थका था, वो बैटरी मेरी चार्ज हो जाती है, जब मेरी चार्ज हो जाती है मैं उम्मीद करता हूँ तो आप सभी महापुरुषों की हो जाती है कि नहीं भाई, आता मेरे हरि या आज्ञा दे दो निकलो। हाँ रुको ध्यान निकल रहे निकल रहे रुको बनी के फोन पर फोन कर दे। हाँ जी मैं कर रहा हूँ हमारे साथ प्रभु के चरणों में ले आओ ताकि उसकी भी बुद्धि बदल जाए और पूरे ब्रह्मांड में
वो आनंद, वो परमानंद, वो खुशियां मिलती है कि दर्शन और हमारी के बाद पूरे ब्रह्मांड में मुझे अब समझ में कुछ नहीं आता। केवल नारायण साकार हरि उनके दर्शन में ही मुझे खुशियां मिलती है। इसके सिवा अब मेरे जीवन में कुछ और बाकी नहीं। प्रभु एक ही चीज मानता हूँ, ये प्रभु अब जिस दिन इस दुनिया को जाना हो उस टाइम लास्ट समय भी आपका महामंत्र मेरे दिमाग में रखे रहना प्रभु जी, ताकि मैं नारायण साकार हर की संपूर्ण मांग में सदा सदा के लिए जय काम हो जय काम हो प्रभु को याद करते जाना। चलना चलना रुक जाने से समाप्त नहीं जाना। अरे रुक जा रहा है, हाल भरमा समापन कर दें सो यार ने कर जल्दी फोन जाते हैं। अंत समय जब ईश्वर रहेगा, जब हम अभ्यास कर रहे हैं अभ्यास करते तो रहेगा आत्म कल्याण मुक्ति जीते जी मरने के बाद तो मरने नहीं बात पूरी हो गई। तो श्रीमान जी जो आपने लिखा है मानव मंगल के लिए सर्वान सुमान शक्ति के साथियों द्वारा ग्राम सभाएं होकर इनका गांव में बनाए गए परिवार को उपयुक्त बनाए जाने के संबंध में इस बाबत श्रीमान जी इतनी जानकारी है आपने दीदार किया है दर्शन किया ये सब होने के बाद किसी को भी व्यक्ति के बारे में सलाह देना हमारे लिए न्याय संगत नहीं है। जिनकी ब्रेडिंग है वो जाने अंदर जाने पूर्ण में भी आपकी मौजूदगी भी कुछ व्यक्ति सरकार था जिन्होंने निर्माण किए हैं अगर हमने कराया है तो हमें बधाई होगा। हमने नहीं कराया, हमने किसी महापुरुष को निर्देशित नहीं किया तो जानना संभव नहीं। अभी हमारी मौजूदगी राजस्थान में थी, एक सिनेमा जी को टीम का आयोजन चल रहा था कोटी वाला बहुत बड़ा चोट बताया गया। जब पुलिस की धनिश पर हमारी मौजूदगी दिन को भी आयोजन कराने वाला और परिवार की भी उसमें पे समझ सकते हैं कि पेपर लीक का मामला हमारे द्वारा भी कहा गया अगर हमें दिखा तो हम तो श्रीमान जी दूसरे दिन हमने अपनी सास को बुलवाया आए पहुंचे चर्चा हुई केनी का भाव केनी का बात करिए किसी की प्राइवेट को लिए हमने परिवार के लिए सेम को अधिक तुम लोग चलो हम आ जाएंगे अपने मन से उन्होंने मैं पहुंचे अच्छे से बताते हैं जी फोन पे लगी आसन होते ऐसा कुछ नहीं आसन के लिए उच्च स्तर से ट्रेन करेंगे भाई तुम टेंशन मत ले। तो जिनका मैंने रंगो जाने जब आपने इतना दीदार किया हुआ है तो बार बार दबाव नहीं देना चाहिए हमारे मन को भी पीड़ा हो ऐसा आपको कदम नहीं उठाना चाहिए। अपने स्तर से कोई क्या करता है क्या नहीं करता कितने कर रहे हैं प्रांतों ने हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा यहीं पर कहा गया है कि आज तक हो आज की शनि का अंधकार क्या कहता है कि आज निरंतर रोजाना मैंने भगवान जन्म ले रहे हैं ये अपने भगवान जन्म का हम किसी से कम नहीं